तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे, पता नहीं डे भी भूल गया हम तो। कितना डे आज? कौन सा डे आज? मेरे ख्याल से आज पांचवा दिन है तेरी एक छुट्टी एक्सटेंड होगी ना। हाँ, आज डे 5 है और 26 दिसंबर 2019 है। तो अभी हम हैं किंगल, यार नाम भूलने की बहुत गंदी आदत है। किंगल में है, वहाँ से सांगला से नहीं, सॉरी, टापरी से पंचर हमने चार्ज लगवाया था। उसके बाद फिर रामपुर में डिनर किया समथिंग अराउंड 8 बजे। तो यहाँ पे 8:30 9 बजे पहुँच गए थे किंगल के अंदर। तो अब हमें सीधा घर जाना है, सोनीपत निकलना है। 8 8.5 घंटे दिखा रहा है, तो बीच बीच में 1 घंटा स्टॉप भी लेंगे आराम से, तो 10 10.5 घंटे लगने हैं। तो बस यही शेड्यूल आज का, बस बताना था कि और ये वाली वीडियो लास्ट वीडियो है अब, इसके बाद ख़त्म चितकुल जो अपनी सांगला की सीरीज, उसके बाद नेक्स्ट ट्रिप आएगी। ठीक है, तो अभी फटाफट ये पैकिंग वैकिंग कर लेता हूँ मैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। जल्दी जल्दी हम आज जल्दी उठ गए थे 7 बजे, पानी वानी भी मिल गया ठीक से, मुंह वगैरह सब कुछ कर लिया आज तो। और बाकी निकलते हैं जल्दी से, मैं बैग पैक कर लेता हूँ, बाकी बाइक पे बात करता हूँ। ठीक है, हो गया ये क्या हो गया? अरे हो शिट, देखो बर्फ है ये। हो देख रहे हो गाइस, रात को खड़ी गिरी यहाँ पे 9 बजे, बाइक सीट पे ही बर्फ जम गई। इस पे भी होगा ना, स्टार्ट करनी मुश्किल हो गई। अभी पहले गर्म करनी पड़ेगी दोनों की दोनों। इस पे देख कैसे बिखरी पड़ी है। तो अब करना है सबसे मुश्किल काम, बैग बांधने का। साइड से कर दे इसको। तो फाइनली सबसे मुश्किल काम डन। ओके, तो बाइक वार्म अप हो चुकी है और कुछ ज़्यादा धुमा दे रही थी अभी, क्लासिक। तो अभी आपने देखा ना, सारी बर्फ जो स्नो थी मैंने कैसे हटाई है, नाखून से खुरच खुरच के थोड़ी बहुत अखबार से हटाई है। अभी भी बहुत ठंडी है सीट, आज तो पिछवाड़ा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। अखबार भी जाना पड़ेगा, रुक जाओ मैं लेके आता हूँ। ओके, और ये देखो इस पे भी स्नो लग गई थी। अब ध्यान दिया मैंने, मैं शीशा पीछे मोड़ने लग गया था। और अभी टाइम हुआ है 8:55 हो चुके हैं। जो सोचते हैं वो होता ही नहीं यार। हम सोच रहे थे कि 8 बजे तक सुबह निकल जाएंगे। एक्चुअली में तैयार तो हो गए थे हम, 8 8 सवा 8 बजे तक तैयार हो गए थे। जो आधा घंटा लगा है ना अभी बैग पैक करने में लगा है, तो सोच सकते हो आधा घंटा बैग पैक करने में लगता है। तो नारकंडा यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, उसका इसलिए मेरे को पता चल रहा है क्योंकि पीछे बोर्ड आया था, माइलस्टोन आया था। ओ वाह यार, देखो व्यू देखो, अभी बर्फ ही बर्फ। अब नहीं जाऊंगा यार, इसमें बहुत ठंड लग रही है, बर्फ देख देख के 4 दिन हो चुके हैं। हाथ बिल्कुल ऐसे सुन्न हो रहे हैं, दोबारा मैं बर्फ में हाथ देना नहीं चाहता अभी, वरना रुक के दिखाता, बट बहुत जबरदस्त है।
रात के टाइम हमने यहाँ पे फोटो क्लिक्स करवाई थी, याद है मेरे को ये लोकेशन। 2 किलोमीटर तक ना स्नो ही स्नो नज़र आ रही थी, बिल्कुल अच्छे वाले, बढ़िया वाले बिल्कुल। ये देखो ख़त्म ही नहीं हो रही है, मतलब तो वही बोल रहा हूँ, जिसको अच्छे वाले बिल्कुल बड़े वाली स्नो देखनी है ना, तो शिमला से 65 किलोमीटर दूर है नारकंडा, 1.5-2 घंटे का रास्ता है अप्रोक्स। तो भाई यहाँ पे आना, बिल्कुल ज़बरदस्त वाली बर्फ़ मिलेगी, स्नो मिलेगी। तो यहाँ पे अभी रुके हैं, हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए, नाखूनों में दर्द हो गया। तेरे भी हो गया ना, पैरों में हो रहा है? तुमने पोलिथीन लगा रखे ना पैर में? मैंने पोलिथीन लगा रखी, मैं तो पैर में भी हो रहा, नाखूनों में। यहाँ से लेके यहाँ तक तो ठीक है, इनकी बैंड बज गई हाथों की और पैरों की। टाइम कितना हुआ अभी? 9:47। तो जल्दी आ गया यार यहाँ पे, तो 8:55 पे निकले थे ना, 1 घंटा भी नहीं लगा, अराउंड 50 मिनट में पहुँच गए, ठीक है इस हिसाब से तो। और कितने किलोमीटर था मेरे ख्याल से? 45-40 किलोमीटर समथिंग अराउंड था, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा और शिमला का लगना है बस, है ना? मैक्सिमम 1.5 घंटा, नहीं तो पहुंच जाएंगे 1.25 घंटा। हो इंजन से हाथ गर्म करने पड़ रहे हैं। इंजन से हाथ गर्म करो। आगे है चाय वाला। हाथों की हालत देखो बिल्कुल। चल चलते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। चले सांगला तक गए थे ना अभी, ऊपर अभी बंद है ना वो हाटू पीक, बंद कर रखा है ना अभी, सबके लिए बंद है अभी। खुल गया? कब खुला है? पैदल जाना पड़ेगा। अभी रुक के कहीं पे चाय वाय पियेंगे यार, बहुत ठंड लग रही है मेरे को, हाथ वगैरह जम गए, बिल्कुल दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा नाखूनों में। स्लिपरी भी है ये, पानी जैसा लगता है ये, ब्लैक आइस टाइप होता है। और ये देखो, ये मेरी भी ऐसी स्लिप हुई थी जैसे अभी आशीष की स्लिप हुई है ना, क्लासिक अपनी, पहले भी ऐसी स्लिप हुई थी। हाँ ये सारी ब्लैक आइस होगी ना, चल लिया लिया कोई नहीं है। क्या हो गया? मैं तू मेरे से है ना कम से कम 500 मीटर दूर रहे, मैं इशारा इसलिए तो करता हूँ पीछे। कोई नहीं, चल 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 मैं करवाता हूँ। अरे बात फर्स्ट गियर की नहीं है, मतलब दोनों पैर नीचे रख के तो क्या नाम है, बच गई, पता है क्या है? हाँ। मेरी भी उस टाइम पे ऐसी हुई थी, बोल नहीं रहा था। अगर तेज होती तो मैं गिरता पूरा गिरता रहता। उस टाइम पे मेरी भी तो ऐसी हुई थी, ऐसी होगी तो झुक गई थी। तो देखा अभी आपने, ये होता है ब्लैक आइस में, अगर स्लो करोगे ना तो बच भी जाओगे, थोड़ा बहुत स्लिप होगे, थोड़ा टेढ़ी हो जाएगी बाइक ज़्यादा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और भाई 20 से ऊपर 30 भी होगी ना तो रगड़ते ऐसे जाओगे। चल चल चलते हैं, रो क्यों रहा अब?
लगी तो नहीं तेरे पैर में हैं? हल्की सी ना, जैसे वो नीचे गिरी ना तो ध्यान में लगती है। हैमस्ट्रिंग वो है ना, चल स्ट्रेच कर ले एक बार, थोड़ा उतर के कर ले एक बार, कर ले अब तो। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेच कर ले एक बार, ऐसे स्टैंड हटा ले और अभी तो और मिलेगी, चिंता मत करो। अभी तो कुफरी आए भी नहीं है, वहाँ पे तो बहुत ख़राब पैच था। एक साइड का जो पैच था ना वो पूरा बर्फ़ से ही था, जो उस तरफ का पैच था वो था रनिंग में। तो उस टाइम पे जो जेसीबी है वो उसको हटा भी रही थी, जो स्नो थी वहाँ पे ब्लैक आइस हो चुकी थी। देखो अब दो दिन बाद आ रहे हैं यहाँ पे, अब दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी। वहाँ पे पक्का स्लिप होएगी बाइक, कन्फर्म है। अगर नहीं है तो भाई मज़े आ जाएंगे और तो क्या। पर ये देखो यार, हमने पूरा ट्रिप कर दिया अभी तक, मतलब ऐसे गिरा ही नहीं है, हल्की स्लिप हुई है बाइक दोनों की, और दोनों की ब्लैक आइस पे हुई है। होप अभी घर पे भी सही सलामत पहुंच जाए बिना गिराए बाइक। तो चलो अभी कुफरी में दिखाता हूँ क्या सीन होता है, ठीक है। नाउ बैक ऑन माय क्लासिक 350, और पता नहीं कितने घंटे बाद चला रहा हूँ। मेरे ख्याल से जब से पंचर हुई है, सांग लगाए थे, रात को पहुँचे थे और शाम को पहुँचे थे सॉरी, तो उसके बाद से चलाई ही नहीं है। कल पूरा दिन नहीं चलाई, आज दोपहर में जाके चलाई है मैंने ये। और मैं अब उसका हैबिचुअल हो गया हूँ, जो लाल परी है CBZ, जिसका सीटिंग पोजिशन ऐसे है, थोड़ा आगे झुक के चलानी पड़ती है, और इसका बिल्कुल कंफर्ट वाला। ओके तो अभी कुफरी आ चुका है आई थिंक, क्योंकि ये जो पैच आ गया ना खतरनाक वाला, देखो ये रे बहुत तगड़ी गिरती है भाई इस पे, अगर थोड़ी सी भी तेज हो ना। और आगे जो लोग हैं सारे बर्फ़ से खेल रहे हैं, बाइकर्स भी है एक दो, सारे मज़े ले रहे हैं। हम नहीं खेलना चाहते, हम खेल लिए बहुत भाई, चार दिन हो गया बर्फ़ में खेलते खेलते। आशीष भी पीछे है तो इतने फ़ोटो क्लिक करवा लेता हूँ। बढ़िया लोकेशन है, बाइक भी मस्त लग रही है यहाँ पे, है ना। कमेंट करके बताओ, इसकी मॉडिफिकेशन की मैं वीडियो डालूंगा। और ये मॉडिफिकेशन ऐसी है कि इस पर चलान नहीं है कुछ भी, और लगती भी मस्त है। अभी मैं जयपुर होके आया था वीडियो देखना, तो कोई इशू नहीं आया, तो ये वाली मॉडिफिकेशन करवा सकते हो। मेरी तरफ से तो थम्स अप है इस पर, तो ये रखूँगा अभी फ़िलहाल मैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा डर रहा था कि कभी फोग लाइट पे जो मैंने लगा रखे ना ट्रम सट्रम जो भी है, इस पर चलान ना करते। तो ये साइलेंसर भी थोड़ा ठीक है, यूज़फुल है। अभी छोड़ो, अभी बाद में इसकी वीडियो बनाऊंगा, अभी पहले फ़ोटो क्लिक करवाऊंगा। और वो सामने आशीष आराम आराम से चलाता हुआ आ रहा है। और मेरे को यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। अरे कहाँ रह गया था? 15 थी, लीक तो नहीं हो रही है वाव? लीक तो ना थी, लेकिन वो कह रहा था कि ठंड में हो जाएगा कई बार काम। वैसे ठीक है ना? हाँ चेक तो करा था उसने, वाल पे लगाया था पानी। चल ठीक है, चले फिर अब। हैं? हैं? हाँ मैं तो पैर टेकता हुआ 10 की स्पीड पे चला के आ रहा हूँ आराम से। और ये देखो जेसीबी, जितना भी पैच है ना ब्लैक आइस का सारा हटा रहे हैं, क्योंकि शिमला में यार बहुत क्राउड रहता है, तो एक्सीडेंट होने का बहुत चांस है। तो ये सारा इन्होंने खुरचा है अभी, जैसे वो मिट्टी डाल रहे हैं इधर देखो, तो इसी की वजह से तो थोड़ा सा ठीक है, चला पा रहे हैं, नहीं तो भाई बहुत ख़तरनाक रास्ता है ये। अगर कुछ भी ना डाले ना, ना इसको कुछ मतलब केयर करे, बिना मिट्टी डाले और ऐसे ही छोड़ दे, तो बाइक तो क्या, बाइक तो चलानी मतलब मुश्किल ही है,
गाड़ियाँ ही स्लिप होती घूमेगी यार। तो अभी शिमला से पहले कोई जगह है पता नहीं मुझे, यहाँ पे ढाबे पे खाना खाने आए हैं, 4-5 किलोमीटर पहले है शिमला से, संजोली संजोली पता नहीं कुछ ऐसे करके नाम है। और अभी खाना दिखा रहा हूँ मैं क्या क्या मंगवाया ने, आलू पराठा, रोटी और कढ़ाई पनीर। 3-4 दिन हो गए दाल मंगवाते, तो आज कढ़ाई पनीर मंगवा दी। ये कढ़ाई पनीर है, ये चपाती होगी, आलू पराठा अभी आ रहा है। ओके, तो अभी मैंने माल रोड से थोड़ी सी शॉपिंग की है और आशीष मेरा आगे वेट कर रहा है, तो बीच में पता नहीं आशीष आगे निकल गया, मैं उसका वेट करता करता पीछे रह गया। और फिर आशीष बोल रहा है कि तू शॉपिंग करके आ जा, मैं वेट कर रहा हूँ तेरा। तो आगे वो वेट कर रहा है और मैं माल रोड का कुछ दिखा नहीं पाया फटाफट, क्योंकि निकलना था और आशीष भी वेट कर रहा था। तो फिर फटाफट से मैंने 15 मिनट लगाई है बस शॉपिंग करने में, फटाफट लिया बस निकला। 15 मिनट भी नहीं लगाई होगी, बस 2 शॉप पे गया था मैक्सिमम, दूसरी शॉप से लेके और निकल गया बस फटाफट वहाँ से। और अभी टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, 3:30 हो चुके हैं आई थिंक। तो चंडीगढ़ पहुँचते पहुँचते तो भाई शाम ही हो जाएगी, 6 बज जाएंगे आई थिंक। और चंडीगढ़ से फिर सोनीपत 10-11 ही बजेंगे आज हमें। बाकी व्यू काफ़ी अच्छा है देखो। ये देखो ये ट्यूब से सारा निकल गया लिक्विड। और ये मेरे ख्याल से 500 मीटर भी नहीं था, मैं ये पीछे पेट्रोल पंप पे पंचर लगवा रहा था और आशीष यहीं पे था और मुझे पता भी नहीं था। अब भाई दिमाग ख़राब हो चुका है, अब मैं सोच रहा हूँ कि ट्यूबलेस ही करवाऊँगा भाई, अलॉय डलवाने पड़ेंगे मेरे को। पर मेरे को पसंद स्पोक्स थे, अगर स्पोक्स में ट्यूबलेस बन जाते ना तो यार मज़ा ही आ जाता। अब इसका कोई इलाज नहीं है, इसमें एलोवेरा डलवा के इसको ट्यूबलेस ही बनवाऊंगा नेक्स्ट ट्रिप से पहले। इस ट्रिप में तो यार इसने दिमाग ख़राब कर दिया पंचर ने, बहुत परेशान हो चुका हूँ अभी तो पंचर की वजह से। बाकी तो सब मस्त है, बाकी सब बढ़िया, पंचर ने खा लिया भाई। और अब काफ़ी लेट हो चुके हैं देखो, 4:57 हो चुके हैं, 4:57 हो चुके हैं। और हम सोच रहे थे कि 5 बजे तक तो अम्बाला पहुंच जाएंगे और अभी तक शिमला में ही है। कर भी जा सकते हैं यार, प्रॉब्लम आ जाती है बीच बीच में, कोई नहीं। और अभी सामने सनसेट वाला व्यू देखो, इसलिए मैंने दोबारा कैमरा ऑन किया है, देखो है ना ज़बरदस्त जो ऐसा व्यू है ना। इन सब के सामने छोटी मोटी लगती है जो प्रॉब्लम्स होती है ना, पंचर हो गया कुछ हो गया, दिल खुश कर देती है ये जो नज़ारा है ना अभी। ओके, सोलन 34, कालका 70, अम्बाला तो लिखा ही नहीं था, हमें तो उस तरफ जाना है ना। अभी धर्मपुर में रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने रुके हैं और टाइम अभी 7:15 हो चुका है, तो लगभग 12 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तो अभी कॉफ़ी मंगवाई है और 2 ब्रेड पकौड़े मंगवाए हैं और बिल्कुल नाखूनों में दर्द हो गया, ठंड बहुत लग रही है। पता नहीं शिमला में दोपहर को तो लग नहीं रही थी ठंड, अब आते टाइम बहुत ठंड लग रही थी, ये जो नाखून है बिल्कुल सुन्न हो चुके हैं। और अभी हाथ सेक रहे हैं, मैं दिखाता हूँ देखो। तो अभी फिर देखते हैं 12 बजे तक पहुँचेंगे घर पे। चंडीगढ़ यहाँ से 60 किलोमीटर है, 1.25 घंटा वहाँ का लगेगा, वहाँ से 4-4.5 घंटे सोनीपत के। क्या नाम है आपका? विक्की। तो गाइज ये विक्की है, इन्हीं के रेस्टोरेंट पे अभी खाना खाया हमने, जायका हिंदुस्तान का है ना, काफ़ी अच्छा लगा, कॉफ़ी भी बढ़िया थी और ब्रेड पकौड़े भी अच्छे थे। तो अभी चंडीगढ़ से
30 किलोमीटर पहले हैं पिंजोर में, और फोग भाई एकदम से बहुत ज़्यादा हो गई थी, और आशीष पीछे पीछे आके बोल रहा है कि कोहरा ही कोहरा है चारों तरफ। अब तो मेरे ख्याल से और लेट पहुँचेंगे, क्योंकि फोग में तो यार तेज भगा नहीं सकते, अंधेरा वैसे ही है, तो ऐसी चलेगी नॉर्मल 50-60 की स्पीड पे। ऊपर से जो अपनी लाल परी है CBZ, उसकी हेडलाइट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्या हुआ हा? मारो धक्का पीछे से पैर मारता हूँ। चलो 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 बैठो बैठो। चले जाओगे ना? ओके ओके भाई।